नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइस, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से एमुलेटर की हेल्प से भगवान शिव जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा एमुलेटर लिखना होगा, इसको हम इधर ऐसे कर देंगे। बीच में आप छोटा सा आर्क लगा दीजिएगा। आर्क लगाने के बाद इसी के ऊपर एक छोटा सा इधर आर्क लगाएंगे, एक आप यहाँ पर लगा दीजिए। इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक इधर, एक यहाँ पर, इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, इधर बढ़ाइएगा और यहाँ से ऊपर के साइड में मिलाएंगे। इसी के ऊपर ही एक सी लेटर लिखिएगा, इसको हम डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, इस नीचे के साइड में आप 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और भगवान शिव जी का तीसरी आँख आप यहाँ पर बना दीजिएगा। यहाँ से हमें ऊपर के साइड में इधर ऐसे आईब्रो बना देना होगा, इधर भी आप ऐसे आईब्रो बना दीजिएगा। फिर दोस्तों, इधर से हम ये ले जाएंगे, इसको आप इधर ऐसे कर दीजिएगा। और गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान शिव जी की जय जरूर लिखिएगा। इधर से हम इधर ये ले करेंगे, इसको यहाँ पर करिएगा। इधर इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क हो जाने के बाद आपको एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करना होगा, छोटी सी लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इधर अंदर के साइड में यहाँ से ऐसे ऊपर के साइड में मिला दीजिए। अब आपको शिव जी का लिप बना देना है। यहाँ से ऐसे एक लाइन इधर नीचे के साइड में बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए और इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर ऊपर के साइड में इधर बढ़ाइएगा। इधर हम बना देंगे शिव जी का ईयर। इस साइड भी आप ऐसे आसानी से बनाइएगा। नीचे के साइड में 2 आपको सर्किल बनाना होगा। यहाँ पर भी आप ऐसे 2 सर्किल बना दीजिएगा। छोटा सा पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आप इधर भी लगा देंगे दोस्तों। यहाँ से इनका नेक बना दीजिए, इधर ऐसे बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, आपको सर्प बनाना होगा। यहाँ से इधर बढ़ाएंगे, इसको तो आप पहले डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद ये वाला सिरा ऐसे ऊपर के साइड में बढ़ाते हुए आप डबल कर दीजिए। अब दोस्तों, इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ से ये बढ़ाते हुए इसको इधर ऐसे करिएगा, फिर नीचे के साइड में डबल करेंगे। छोटा सा पॉइंट इधर भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए। छोटी छोटी लाइनें आप आसानी से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसको इधर ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे घुमाइए। फिर गाइस, नीचे के साइड में यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अब हमें शिव जी का हेयर बना देना है। यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। इधर भी आप आसानी से ऐसे आगे के साइड में बढ़ाते जाइएगा। छोटे छोटे आपको सर्किल बनाना होगा। इसकी हेल्प से एक रुद्राक्ष की माला बनके तैयार हो जाएगा। एक बार आप फिर से नीचे के ही साइड में ऐसे छोटे छोटे सर्किल बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाइएगा। अब दोस्तों, हमें जस्ट बगल में ही शिव जी का त्रिशूल भी बनाना होगा। इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ से ऐसे इसको हम डबल करेंगे। यहाँ पर ऐसे मिलाइएगा, एक लाइन इधर, एक छोटी सी लाइन इस साइड। ऊपर के साइड में आप ऐसे पतला सा वी लेटर लिख दीजिए। यहाँ से दोस्तों, हमें ये बढ़ाते हुए इधर ले जाना है और इसको डबल करना होगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, डबल कर दीजिए। एक लाइन इधर, एक वी लेटर लिखिएगा। इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, इधर मिलाइएगा। छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके आप पॉइंट बना देंगे। तो ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों भगवान शिव जी का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम शिव जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।